हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दुर्गेश है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में हम लोग URL रीराइटिंग का प्रैक्टिकल एग्जांपल समझेंगे और उसको प्रैक्टिकली करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कैसे हम लोग URL रीराइटिंग अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं। तो बिना किसी भी टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हम जो वीडियोज़ अपलोड करें वो तुरंत ही आपको मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो जैसा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और इसको इजीली बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग URL रीराइटिंग को समझते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो हमने क्या किया, देखिए हमने अपनी स्क्रीन को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। ये वाला जो हमारा पोर्शन पूरा हमारा है क्लाइंट। दिस इज़ आवर क्लाइंट। यहाँ पे सारा काम होगा, HTML चलेंगी, CSS चलेगा और JavaScript चलेगी। सो दिस इज़ आवर क्लाइंट। और ये वाला जो पोर्शन है वो हमारा सर्वर है और यहाँ पे हमारे डायनेमिक कंटेंट चलेंगे, दैट मीन्स हमारा सर्वलेट वगैरह चलेगा यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपनी वेबसाइट को बनाते हैं और वेबसाइट में हम लोग बनाते हैं HTML के पेजेस बनाते हैं और हम लोग बनाते हैं सर्वलेट बनाते हैं, सब कुछ लिखते हैं। और जब हम वेबसाइट को अपलोड करते हैं, इसका मतलब सिंपल है कि हम लोग सर्वर पे वेबसाइट को यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो हम लोग ये हमारा एप्लीकेशन होता है। तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हमारा ऐप होता है और इस ऐप में हम लोग बना के रखते हैं HTML पेज बना के रखते हैं। जैसे लेट अस सपोज हम लोग सपोज कर लेते हैं ये हमारा इंडेक्स पेज है, index.html पेज है। और हमने यहाँ पे दो सर्वलेट बना के रखा है, एक है सर्वलेट वन। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे बना देते हैं सर्वलेट वन और इसका एक नाम भी दे देते हैं। सपोज इसका नाम सर्वलेट वन है, सर्वलेट वन, और इसका URL पैटर्न भी सर्वलेट वन है, मतलब ये कॉल भी /सर्वलेट1 से कॉल होगा। और एक सर्वलेट हम इसमें और बना देते हैं सर्वलेट टू, और इसका भी हम लोग नाम देते हैं सर्वलेट टू, और ये भी चलेगा हमारे सर्वलेट टू से, सर्वलेट टू, मतलब इसका नाम भी सर्वलेट टू है, URL पैटर्न भी सर्वलेट टू है। तो हम लोग ये सारा बना के इसको सर्वर पे क्या करते हैं, डिप्लॉय कर देते हैं। अब होता क्या है, ये जो क्लाइंट होता है दैट मीन्स ये एक ब्राउज़र होता है, यहाँ पे ब्राउज़र। तो लेट अस सपोज ब्राउज़र में हम लोग क्रोम यूज़ कर लेते हैं। तो क्रोम जो भी आपकी वेबसाइट ओपन करने की कोशिश करता है, सबसे पहले वो अपने सिस्टम में क्रोम ओपन करता है, दैट मीन्स वेब ब्राउज़र। और यहाँ पे URL में टाइप करता है आपकी वेबसाइट, आपके सर्वर का नाम। तो यहाँ पे लेट अस सपोज हमारी वेबसाइट का कुछ नाम है, तो यहाँ पे URL बॉक्स में टाइप करेगा www.onlyjavatech। ये होता है हमारे सर्वर। तो इसकी हेल्प से हमें मिलता है IP एड्रेस और रिक्वेस्ट हमारे सर्वर पर जाती है यहाँ पर। बट एप्लीकेशन तक तो आपके रिक्वेस्ट आ जाएगी यहाँ पे, लेकिन अब क्या होगा, कौन सा साइट यहाँ पे कौन सा पेज चलना है, ये चीज़ आइडेंटिफाई होगी यहाँ से स्लैश है। तो अगर अभी सिर्फ होम पे ओपन हुआ, दैट मीन्स अभी उसने सिर्फ टाइप किया है www.onlyjavatech.com, दैट मीन्स अभी ये आपके वेबसाइट का रूट पेज, होम पेज एक्सेस करना चाह रहा है। और बाय डिफॉल्ट हमारा होम पेज होता है index.html। तो जैसे ही वो एंटर करता है तो आपके सर्वर तक एक रिक्वेस्ट जाती है, और अगर उसने कोई भी पेज यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है तो क्या होता है, हमारे यहाँ से लोड हो जाता है हमारा इंडेक्स पेज और आपके ब्राउज़र में यहाँ पे दिखने लगता है, इंडेक्स पेज दिख जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यही हम लोग काम करने की कोशिश करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इस इंडेक्स पेज में हम लोग बना देंगे एक फील्ड जिसमें हम लोग एंटर कराएंगे नेम, और हम लोग इसमें बना देंगे एक फील्ड नेम की फील्ड बना देंगे जहाँ पर वो नाम को एंटर कर पाएगा। ठीक है, नाम को एंटर कर पाएगा। और इस नाम को एंटर करने के बाद हम बना देंगे एक ओके बटन, इस ओके बटन को ओके करके हमारे ये जो नाम होगा वो सर्वलेट वन पे सबमिट कर पाएगा। तो होगा क्या, जैसे ही आप यहाँ से आप हमारा सर्वर पे, जैसे हमारे सर्वर पे रखा हुआ ये वाला पेज ओपन करेंगे, तो क्या होगा कि ये पेज रिस्पॉन्स में जाएगा। तो ये हमारा रिक्वेस्ट होगा, ये हमारा रिक्वेस्ट होगा बेसिकली, ये वाली चीज़ ये हमारी रिक्वेस्ट होगी और ये हमारा रेस्पॉन्स होगा पहली बार का। जैसे रेस्पॉन्स आएगा तो यहाँ पे आपका इंडेक्स पेज ओपन हो जाएगा, कौन सा पेज, index.html पेज, आपका होम पेज है तो ये ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको दिखने लगेगा नेम, इंडेक्स पेज का कंटेंट, दैट मीन्स HTML यहाँ पे चल जाएगा और यहाँ पे आपको दिख जाएगी ओके बटन।
तो ये हमारा काम हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा होम पेज ओपन हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे अपना कोई भी नाम लिखेंगे। लेट अस सपोज हम अपना नाम लिख देंगे, दैट मीन्स ये क्लाइंट नाम लिख रहा है और ये ओके बटन जैसे क्लिक करेगा हम लोग क्या करेंगे अपने फॉर्म को सबमिट करा देंगे सर्वलेट वन पे। सिंपल, दैट मीन्स ये अनदर, ये दूसरी रिक्वेस्ट है और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सर्वलेट पे इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने की कोशिश करेंगे, हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले गेट करेंगे नाम को, तो जो नेम आपने निकाला होगा गेट करेंगे और यहाँ पे प्रिंट भी करेंगे उस नाम को। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग को जनरेट करना है रेस्पॉन्स, जनरेट करना है रेस्पॉन्स, क्योंकि यहाँ से हमें जनरेट करना है HTML पेज और ये जो रिस्पॉन्स होगा वो होगा इन द फॉर्म ऑफ HTML और वो जाएगा आपके फिर से ब्राउजर तक। दैट मीन्स ये जो पहले कंटेंट रखा था वो हो जाएगा रिप्लेस और ये वाला नया वाला कंटेंट आ जाएगा यहाँ, दैट मीन्स सर्वलेट का जो रिस्पॉन्स होगा वो चला जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम लोग जनरेट कर रहे होंगे ये वाला सर्वलेट वन का रिस्पॉन्स HTML, तो हम लोग यहाँ पे एक लिंक दे देंगे। दैट मीन्स ये इस HTML इस वाले रिस्पॉन्स में हम लोग यहाँ पे एक एंकर टैग लगाएंगे और हम लोग href, दैट मीन्स हम लोग दे देंगे एक लिंक, क्योंकि जनरेट वैसे भी HTML ही करना है और हम लिख देंगे यहाँ सेकेंड सर्वलेट का URL पैटर्न, दैट मीन्स हम लिंक दे रहे हैं सेकेंड सर्वलेट का ये सिंपली। और ये जो लिंक होगी ये यहाँ पे रखी होगी HTML, इस वाले HTML में जो जनरेट हो रहा है सर्वलेट के द्वारा, दैट मीन्स ये जाएगी डायरेक्ट सिंपली यहाँ पे। और हम करेंगे क्या, इस लिंक में जो हम लोग URL देंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पे, वो हमारा सबसे पहले वेबसाइट का नाम होगा /servlet2 का URL पैटर्न होगा। तो जिससे होगा क्या कि इस URL पे क्लिक करके बंदा क्या कर पाएगा, हमारा servlet2 ओपन कर पाएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो servlet2 आपके ब्राउज़र में यहाँ फायर हो जाएगा, यहाँ पे फायर हो जाएगा और हम क्या, और ये रिक्वेस्ट चली जाएगी servlet2 पे। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग इस रिस्पॉन्स को यहाँ से भेज रहे हैं, दैट मीन्स ये वाला डायनेमिक रिस्पॉन्स यहाँ पे आ रहा है, तो उसी के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और servlet2 के URL पैटर्न में अपना जो नाम आ रहा होगा वो नाम भी रख देंगे। तो यहां पे अगर दुर्गेश आ रहा है तो मैं यहां पे दुर्गेश नाम भी रख दूंगा। इससे होगा क्या, सिंपली क्वेश्चन मार्क के बाद हमने यहां पे एक वैल्यू रख दी है और यही बेसिकली हमारी क्या है, URL रीराइटिंग है, यही हमारा URL रीराइटिंग है। दैट मींस हमने URL रीराइट कर दिया और ये रीराइट कहां किया, ये यहां से सर्वलेट वन से किया है। अब क्या होगा, ये वाला जो HTML है वो यहां पे प्रिंट हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा इसका मतलब ये एज इट इज यहां पे ऐसे नहीं दिखेगा, क्योंकि ये जो HTML है ये ब्राउजर एक्सेप्ट कर रहा है और अगर ये ब्राउजर एक्सेप्ट कर रहा है दैट मीन्स कि ये जो HTML है ये इन द फॉर्म ऑफ टैग जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा, वो दिखाएगा सिर्फ और सिर्फ बटन, यहाँ पे सेकंड दिखेगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके ब्राउजर पे ये चीज़ फायर हो जाएगी, दैट मीन्स मैं आपको दिखाता हूँ। तो जब आपका रिक्वेस्ट आएगा सर्वलेट टू का, दैट मीन्स ये वाली चीज़ आएगी, जैसे ही बंदा इस वाली बटन पे क्लिक करेगा ओके, तो वो क्या होगा यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे डायरेक्ट कॉल फायर होगा सेकंड। और एक्चुअली होगा क्या, जैसे सेकंड सर्वलेट फायर होगा आपकी रिक्वेस्ट सिंपली यहाँ से चली जाएगी सेकंड सर्वलेट को और सेकंड सर्वलेट चलेगा और सेकंड सर्वलेट क्या कर सकता है, सेकंड सर्वलेट फेच कर सकता है नाम, ये फेच कर सकता है नेम जो कि आ रहा होगा URL में। और URL में नेम क्या आ रहा है भाई, देखिए नेम इज इक्वल टू दुर्गेश, दैट मीन्स इसके पास दुर्गेश वाला डेटा, इसके पास भी दुर्गेश वाला डेटा निकल आएगा URL से यहाँ पे और हमारा वो वाला डेटा भी निकल आएगा, दैट मीन्स इसके पास भी दुर्गेश जो URL में डेटा आ रहा है निकल आएगा और इसके पास भी URL में डेटा है। तो यूज़र ने सिर्फ एक ही बार पहली रिक्वेस्ट में क्या दिया था, जब सर्वलेट वन को नाम दिया था, लेकिन इस सर्वलेट वन ने क्या किया, रिस्पॉन्स में नाम को यहाँ पे URL में देखे चिपका दिया था, जब आपने इस बटन को क्लिक किया तो दोबारा ये नाम चला गया। इसका मतलब आपने क्या यूज़ किया, URL रीराइटिंग यूज़ किया नाम को दोबारा भेजने के लिए, दैट मीन्स आपने मल्टीपल रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के दौरान डेटा URL में रख दिया था और सर्वलेट टू उसी URL से डेटा को क्या कर रहा है, फेच कर रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रैक्टिकली समझते हैं और करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे NetBeans IDE ओपन है और हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पे इंडेक्स पेज में, यहाँ देखिए हमारे पास एक इंडेक्स पेज है और हमने क्या किया, इंडेक्स में एक फॉर्म बना दिया है और फॉर्म में सिंपली एक इनपुट टेक्स्ट रख लिया है जिसको हम लोग टेक्स्ट फीड बोलते हैं। देखिए टाइप टेक्स्ट और नेम, यहाँ पे नेम रख लिया या फिर हम इस नेम को यूज़र नेम कर देते हैं, यूज़र अंडरस्कोर नेम कर देते हैं। और एक चीज़ और करते हैं, थोड़ा सा फॉन्ट को इंक्रीज़ कर लेते हैं जिससे कि आपको फॉन्ट विजिबल रहे। तो हम चलेंगे फॉन्ट एंड कलर्स पे और यहाँ पे 20 को कर देंगे 30 और हम लोग क्या कर दें ओके कर दें।
तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, सिंपली हमने एक फॉर्म टैग यूज़ किया और इसका एक्शन रखा है सर्वलेट वन। दैट मीन्स जो ये फॉर्म होगा वो सर्वलेट वन वाले URL पैटर्न वाले सर्वलेट को सबमिट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों ने इनपुट टाइप क्या रखा है, टेक्स्ट, और यूज़र नेम जो रखा है यूज़र नेम रखा है। दैट मीन्स इस वाले यूज़र नेम से हम लोग अपने सर्वलेट पे डेटा फेच करेंगे। और यहाँ पे देखिए एक बटन बनाई हमने सबमिट, तो हमारा इंडेक्स पेज रेडी है। इसका आउटपुट हम लोग देख लेते हैं। इसका आउटपुट ये, जब आप यहाँ पे नाम लिखोगे और गो पे क्लिक करोगे तो आपका ये जो फॉर्म होगा वो सबमिट हो जाएगा सिंपली सर्वलेट वन पे। तो हम लोग को अब सर्वलेट वन बनाना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली देखिए हम लोग आएंगे यहाँ पे सोर्स पैकेजेस में, सोर्स पैकेजेस में ये रहा सोर्स पैकेजेस, राइट क्लिक करेंगे न्यू, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको सर्वलेट, हम सर्वलेट पे क्लिक कर देंगे और सर्वलेट का नाम दे देंगे सर्वलेट वन। और हम लोग क्या करेंगे, इसका एक पैकेज भी दे देंगे, मैं कहूँगा माई सर्वलेट्स, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, सिंपली नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा। जैसे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऐड इन्फॉर्मेशन टू डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। तो हम लोगों ने अपने सर्वलेट के वीडियोज़ में देखा था कि URL मैपिंग करनी पड़ती है जब भी हम लोग कोई नया सर्वलेट बनाते हैं web.xml में। तो अगर आप मैनुअली URL मैपिंग करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, इस वाले ऑप्शन को छोड़ सकते हो, वरना आप इसको टिक कर दीजिए। तो होगा क्या, अगर आप इसको चेक कर दोगे तो यहाँ पे देखिए ये URL पैटर्न पूछ रहा है, और इस URL पैटर्न में आप वही वाला URL पैटर्न दे दिए जिससे आप सर्वलेट चलाना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा सर्वलेट वन है, तो मैं लिखूँगा स्लैश सर्वलेट वन, ये वाला जो आपने यहाँ पे दिया है और ये वाला एक्शन मैच करना चाहिए, तभी ये जो फॉर्म होगा वो आपके इस सर्वलेट पे जाएगा। तो हमने एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ भी लिखी और वही चीज़ यहाँ लिखी है। दैट मीन्स हमारा ये जो फॉर्म होगा वो इस सर्वलेट पे सबमिट हो जाएगा जो हम लोग बनाने जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे। जैसे ही आप फिनिश करोगे तो आपका सर्वलेट, देखिए ये सर्वलेट हमारा रेडी है। और हम आ जाएंगे अपने प्रोसेस रिक्वेस्ट के मेथड में। एक्चुअली ये कॉल वही करेगा, यहाँ पे दो मेथड और बने। अगर आप नीचे जाएंगे देखिए एक डू गेट मेथड है और डू पोस्ट मेथड है। तो अगर आपकी रिक्वेस्ट गेट फॉर्म में आ रही है तो एक्चुअली ये वाला मेथड चलता है, और अगर पोस्ट के फॉर्म में आ रही है तो ये वाला मेथड चलता है। बट दोनों के अंदर से देखिए प्रोसेस रिक्वेस्ट मेथड कॉल हो रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों पे आपको एकदम ही ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान किस पे देना है, अपने इस वाले मेथड पे, क्योंकि फाइनली चलना यही वाला मेथड है। तो हम लोग बॉडी टैग के अंदर आ जाएंगे और बॉडी टैग के अंदर अपनी कोडिंग स्टार्ट करेंगे। इसका सिंपली मतलब होता है कि यहाँ पे आप सर्वलेट वन के अंदर कोड कर रहे हो, जो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है ये सारी चीज़ें, ये सर रेस्पॉन्स हैं, ये जाएंगी आपके क्लाइंट को, दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ HTML। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम नाम को फेच करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे फेच करेंगे, सिंपली देखिए एक वेरिएबल ले लेंगे स्ट्रिंग नेम, और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। ये एक मेथड है रिक्वेस्ट वाले इंटरफेस के अंदर, और हमें यहाँ पे देना है अपना पैरामीटर। तो बेसिकली हमें क्या करना है, जो हमने index.html पेज पे यहाँ पे ये यूज़र नेम दिया है, यही वाला यूज़र नेम आप दे दीजिए इस फील्ड का, वो क्या करेगा, इस फील्ड की वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो हम लोग आएंगे अपने सर्वलेट वन पे और यहाँ पे इसके अंदर यूज़र अंडरस्कोर नेम को सिंपली पास कर देंगे, तो वो वाला नाम मिल जाएगा। और हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर देंगे system.out.println, और यहाँ पे हम सबसे पहले लगाएंगे H1, क्योंकि H1 ब्राउज़र उसे हेडिंग समझेगा और वो बड़ा कर देगा। उसके बाद हम लिखेंगे योर नेम इज़, और उसके बाद हम इस स्ट्रिंग को बंद करेंगे और हम इसके अंदर आएंगे और हम लिखेंगे नेम वाला वेरिएबल। तो सिंपली प्रिंट हो जाएगा योर नेम इज़, और फिर आपका नाम प्रिंट हो जाएगा। मैं आपको चला कर दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं अपने प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ दुर्गेश तिवारी, और मैं गो पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए सर्वलेट ने डायनेमिक रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया है और नेम इज दुर्गेश तिवारी। अब हम लोग यहाँ पे एक बटन बनाना चाहते हैं गो टू सेकंड सर्वलेट। तो आप खुद सोचिए कि ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है, ये आ रहा सर्वलेट वन से, यहाँ से, दैट मीन्स हमें यहीं पर कुछ करना पड़ेगा बटन बनाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं out.println, और हम यहाँ पे बटन वाला टैग यहीं पर प्रिंट कर देते हैं। तो ये जब ब्राउज़र पर जाएगा तो एज अ HTML पार्स हो जाएगा। तो बटन बनाने के लिए सिंपली आप, मैं एंकर टैग यूज़ करूँगा और एंकर टैग को क्लोज कर दूंगा, और उसके बाद यहाँ पे जो लिखना है तो मैं लिख दूंगा गो टू सेकेंड सर्वलेट। और फिर अब देखिए इतना अगर आपने कर दिया तो अगर आप रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे एक टेक्स्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंकर्ड वाले टैग के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे href, और यहाँ पे आपको देना है सेकेंड सर्वलेट का URL पैटर्न। तो हम लिखते हैं सर्वलेट टू। अब होगा क्या, ध्यान से देखिए, जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, देखिए यहाँ पे दिख रहा है आप गो टू सेकंड सर्वलेट, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ सर्वलेट टू का URL पैटर्न देखिए फायर हो जाएगा। ये देखिए ब्राउजर में आप सर्वलेट टू, लेकिन अभी सर्वलेट टू बनाया नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, एरर आ रही है। अभी हम लोग सर्वलेट टू बनाएंगे, ठीक है। एक चीज़ और करते हैं, हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे हम की में रखेंगे यूज़र
और यूजर जो की है उसकी वैल्यू हमें देनी है, ये वाली वैल्यू जो आ रही है यहाँ पे। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहीं पे वैल्यू लिखनी है, बट वो वेरिएबल की वैल्यू है। तो देखिए जैसा मैं कर रहा हूँ, आप क्या करें, डबल कोट्स दो बार लगाएगा, ये एक डबल कोट्स लगाएगा और अंदर आ जाइएगा और फिर प्लस लगाइएगा और फिर यहाँ पे आप नेम सिंपली रख दीजिए। तो होगा क्या, यहाँ पे आ चुका है डायनेमिक नेम, दैट मीन्स ये कुछ ऐसा बन गया है, सर्वर टू यूज़र इज इक्वल टू और जो नाम आया होगा। मैं आपको एक बार चला के दिखाता हूँ, आप क्या करिए रिफ्रेश करिए और यहाँ पे गो टू सेकंड सर्वर क्लिक करिए। तो यहाँ पे देखिए यूज़र के बाद इक्वल टू आया और फिर यूज़र का नाम आया, दैट मीन्स हम सिंपली क्या कर रहे हैं, डेटा को सर्वर वन से सर्वर टू पे ले जाने के लिए हम लोग URL को रीराइट कर रहे हैं। हम लोग जो अपना नाम है वो डेटा URL में अपेंड कर दे रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं URL rewriting। अब क्या करते हैं, सेकंड सर्वलेट पे जो डेटा यहाँ से जा रहा है हम लोग उसको फेच करने की कोशिश करते हैं। URL rewriting हम लोग JSP जब सीखेंगे उसमें भी बहुत आसानी से सीखेंगे और भी इजीली। अभी थोड़ा सर्वलेट है तो इधर उधर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कठिन लगता है, अदरवाइज हाई ईजी। तो हम लोग क्या करते हैं, सर्वलेट टू बनाते हैं और इस एग्जैक्टली वैसे ही हम सर्वलेट, देखिए हम लोग क्या करेंगे, सर्वलेट पे क्लिक करेंगे और इसका नाम दे देंगे सर्वलेट टू और नेक्स्ट कर देंगे और फिर हम ऐड इन्फॉर्मेशन टू डिप्लॉयमेंट स्क्रिप्ट ट्रप कर देंगे। उसके बाद हमारा देखिए यहाँ पे सर्वलेट टू का URL पैटर्न मैंने यूज़ किया स्मॉल s से सर्वलेट टू, तो हम यहाँ पे जो URL पैटर्न है इसको क्या कर देंगे, सिंपली स्लैश सर्वलेट टू, ये वाला URL पैटर्न जो सर्वलेट टू को चलाने के लिए और हमारे सर्वलेट टू का URL पैटर्न मैच करना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे और सिंपली जब सर्वलेट टू चलेगा तो इसका प्रोसेस रिक्वेस्ट मेथड चलेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा out.println, अगर ब्राउज़र पे कुछ प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे println लिखूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे h1 प्रिंट करूँगा क्योंकि मैं थोड़ा सा आउटपुट बड़ा चाहता हूँ स्क्रीन पे, तो h1 ब्राउज़र इसे हेडिंग समझेगा और हेडिंग में मैं यूज़ कर लूँगा स्टाइल भी, हेडिंग ये ब्राउज़र उसको स्टाइल भी कर देगा और मैं यहाँ लिखूँगा color.blue, तो ये ब्लू कर देगा उसको। उसके बाद मैं लिख दूँगा welcome to सर्वलेट टू, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब क्या करते हैं, जो नाम URL में आ रहा है उस नाम को फेच करने की कोशिश करते हैं। कैसे फेच करेंगे, सिंपली वैसे ही आप एक वेरिएबल ले लीजिए नेम का और यहाँ पे वैसे ही फंक्शन कॉल करिए रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर और अपने इसमें क्या पास कर दिए, जो URL में की वैल्यू आ रही थी उसकी की, सिंपली यहाँ पे देखिए सर्वलेट वन पे ये जो की और यहाँ पे जो आपने वैल्यू दी थी ये वाली की पास करिए यूज़र। तो हम सर्वलेट टू पे आएंगे, यहाँ पे यूज़र दे देंगे, तो URL में जो नेम आ रहा होगा वो इसकी वैल्यू होगी और वही वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी, नेम में आ जाएगी। उसके बाद सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग यही वाली यूज़ करेंगे और हम यहाँ पे वेलकम टू सर्वलेट टू की जगह लिख देंगे वेलकम बैक और फिर यूज़र का नाम प्रिंट करने के लिए इस वेरिएबल की वैल्यू डायनेमिक यहाँ पे प्रिंट करनी पड़ेगी। तो फिर से हम क्या करेंगे, दो कोट्स लगाएंगे, प्लस प्लस लगाएंगे एंड सिंपली नेम लगा देंगे और इसका कलर हम लोग रेड कर देंगे सिंपली। अब हम लोग इसको चला के देखते हैं कि क्या हमारी जो वैल्यू है वो यहाँ पे फेच हो रही है URL से निकल के। तो आप आइए यहाँ पे और आप एक बार होम पे जाइए, रिफ्रेश करिए और अपना नाम गो पे क्लिक करिए। तो फर्स्ट सर्वलेट तो आपके फॉर्म से डेटा सही निकाल के दिखा रहा है और फिर गो टू सेकेंड सर्वलेट करिए। तो यहाँ पे देखिए वेलकम टू सर्वलेट टू एंड वेलकम बैक दुर्गेश तिवारी, दैट मीन्स सर्वलेट टू क्या कर रहा है, इस URL से डेटा फेच कर ले रहा है। अगर हम सर्वलेट वन पे फिर से चलते हैं और यहाँ पे कुछ नाम देते हैं अंकित और हम लोग क्या करते हैं गो पे क्लिक करते हैं, तो देखिए सर्वलेट वन ने क्या किया, योर नेम इज़ अंकित, फॉर्म से डेटा निकाला। अब ये क्लाइंट देख रहा है ब्राउज़र पे, सर्वर से आप रिस्पॉन्स आ चुका, जब सेकंड सर्वलेट क्लिक करोगे तो देखिए वेलकम बैक टू सर्वलेट टू और वेलकम बैक अंकित, दैट मीन्स जो हम डेटा URL में रख दे रहे हैं वो डेटा सर्वलेट टू फेच कर ले रहा है और इस वाले तरीके को हम लोग बोलते हैं URL राइटिंग। अगर आप यहाँ पे भी देखिए आप चेंज कर दीजिए अंकित तिवारी, एंटर करेंगे तो देखिए आपको पता चल जाएगा कि ये डेटा कहाँ से निकल के आ रहा है, URL से ही निकल के आ रहा है। अगर आप यहाँ कुछ और लिख दीजिए लखनऊ और फिर एंटर कर दीजिए तो देखिए चेंज हो जा रहा है, इसका मतलब ये डेटा URL से आ रहा है। आप URL रीराइट कर रहे थे वहीं से डेटा फेच होके सिंपली यहाँ पे आ जा रहा है। इसका मतलब सिंपली है कि आप क्या कर सकते हो, URL में डेटा रख के इसको शेयर कर सकते हो, दैट मीन्स आपने एक सर्वलेट पे रख दिया, URL बना दिया, फिर दूसरे सर्वलेट पे उसको सिंपली फेच कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग ने देखा कि आप प्रैक्टिकल एग्जांपल कैसे कर सकते हो URL रीराइटिंग का। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।